नमस्कार, विभूति समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। वैष्णो देवी मंदिर के निकट भूस्खलन, एक सुरक्षा कर्मी की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के निकट भूस्खलन होने से सीआरपीएफ का एक हेड कांस्टेबल बुधवार को शहीद हो गया। पुलिस सूत्रों ने यह बताया कि दोपहर के समय मंदिर के गेट नंबर 3 के निकट भूस्खलन होने से यह हादसा हुआ। जवान की पहचान सीआरपीएफ की बटालियन 6 के हेड कांस्टेबल हरिंदर सिंह के रूप में हुई है। पटना में छात्रों के दो गुटों में गोलीबारी, दो घायल। बिहार के प्रतिष्ठित पटना कॉलेज के सैदपुर छात्रावास परिसर में बुधवार को छात्रों के दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में दो छात्र घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सैदपुर छात्रावास में बाहर से आए छात्रों के एक गुट ने परिसर में गोलीबारी की, जिसमें जन अधिकार छात्र परिषद के पटना कॉलेज के अध्यक्ष नीरज कुमार के अलावा छात्र राजा कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों छात्रों को तत्काल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, गाय हिंदुओं की ही नहीं मुस्लिमों की भी माँ। द्वारका शारदा पीठ के प्रमुख शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि गाय न केवल हिंदुओं की बल्कि मुस्लिमों की भी माँ है, क्योंकि इसका दूध एक धर्म को मानने वाले लोगों के समान ही दूसरे धर्म को मानने वाले के लिए भी उतना ही लाभदायक है। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि हिंदुओं को भी गाय के दूध से उतना ही प्रोटीन मिलता है जितना मुस्लिमों को। कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हो, लेकिन गाय को बचाना भारतीयों के हित में है। दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला फैसला, 20 फुट ही रहेगी ऊंचाई। दही हांडी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन से इनकार कर दिया है। दही हांडी उत्सव में मानव पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई 20 फुट ही रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में होने वाले दही हांडी उत्सव को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों में पहले ढील देने से इनकार कर दिया था। इन शर्तों में कहा गया था कि पिरामिड में 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के भाग लेने पर रोक रहेगी और मानव पिरामिड की ऊंचाई 20 फुट तक ही रखी जा सकती है। हालांकि पीठ ने उच्च न्यायालय के दही हांडी उत्सव को नियंत्रित करने से संबंधित दो निर्देशों को रद्द कर दिया। कैबिनेट ने किराए की कोख संबंधी विधेयक को दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के उपाय किए गए हैं तथा इस तरह के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराए की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्य देश में किराए की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियमन को समुचित ढंग से अंजाम देना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.vibhinia.com। नमस्कार।